हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए मोटिवेशनल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको अपनी सारी पोल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपना सारा काम करता हूँ, किस तरीके से पॉइंट ग्राइंड करता हूँ, और आखिर मेरे को प्रॉब्लम क्यों नहीं आती। ना मेरे को अकाउंट टेम्परेरी रिसीव वाली प्रॉब्लम आती, ना ही मेरे को यहाँ पर लोकेशन वाली प्रॉब्लम आती, मतलब मेरा हर बार यहाँ पर रिडीम लग जाता है। और अब तक मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हुए कम से कम 8 से 9 महीना हो चुका है। अब तक 2 या 3 अकाउंट मेरे यहाँ पर बैन हुए हैं दोस्तों, और उसकी भी आपको बताऊंगा वो क्यों बैन हुए हैं। उस वो गलती मैंने यहाँ पर खुद से कर दी थी दोस्तों। तो आज मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा कि 1 मंथ के अंदर मैं कितना रुपया अर्न कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से। और दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गिव अवे का क्या सीन है दोस्तों। जैसे कल हमने गिव अवे स्टार्ट किया था 7 तारीख से लेकर, अब 7 तारीख को मैंने गिव अवे स्टार्ट कर दिया, तब मेरे ऐसे मान लो 1600 सब्सक्राइब थे, 1600 सब्सक्राइबर मेरे यहाँ पर थे। अब जैसे मेरे 2500 सब्सक्राइब होंगे, अब उसके लिए यहाँ पर चाहे 20 दिन लग गया, मान लो 20 दिन में मेरे 1600 से 2500 सब्सक्राइब हो गया। अब 20 दिन में जिस भी भाई ने जो कोड डाला है, जो रेगुलर भाई ने कोड डाला है और मुझे इंस्टाग्राम पर DM किया है, मतलब आपको कोड डालना है दोस्तों, मतलब आपको एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं। 7 तारीख से लेकर अब जितने दिन मेरे सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाते हैं 2500, तब तक आपको कोड डालना है, जिसके जिस भाई के यहाँ पर कंप्लीट कोड मिलेगा। जिस भाई का यहाँ पर मुझे पता, आप यहाँ पर डेली कोड नहीं डालोगे, कभी डाल दोगे कभी, एक दिन भी आपका गैप नहीं होना चाहिए। एक दिन का भी यदि आप गैप हो जाते, गैप कर देते हो, तो फिर आपका यहाँ पर गिफ्ट कार्ड कोड का गिव अवे नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको डेली डालना है। जैसे मान लो 7 तारीख को हमने गिव अवे स्टार्ट किया था और 25 तारीख को हमारे यहाँ पर 2500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाएंगे, तो 7 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जितने भी दिन, जितने भी आपको कोड कंप्लीट होते हैं, आपको कंप्लीट कोड यहाँ पर डालना है, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों अभी आगे आपको मैं अपनी अर्निंग भी दिखाऊंगा कि मैं 1 मंथ में कितना पे यहाँ पर अर्न कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कल की वीडियो में बताया था दोस्तों कि VPN से पॉइंट मिलना शुरू हो चुका है, और आप लोग VPN से पॉइंट ग्राइंड नहीं करते हो, यह बहुत बड़ी गलती है आपकी। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप हर अकाउंट के अंदर VPN से पॉइंट ग्राइंड करो, मैंने आप बोल दिया कि आप जैसे मान लो आपके पास 10 अकाउंट है, तो आप 2 अकाउंट के अंदर VPN से पॉइंट ग्राइंड करो, 20 अकाउंट है आपके पास, तो 4 अकाउंट के अंदर, 5 अकाउंट के अंदर आप VPN से पॉइंट ग्राइंड कर लो, लेकिन आप यहाँ पर नहीं मानते। आप यदि इंडियन सर्वर से भी पॉइंट ग्राइंड करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कर लो, लेकिन उससे थोड़ी अर्निंग ज्यादा होगी, वो आपको मैं बता दूं। यदि आप VPN से पॉइंट ग्राइंड करते हो, तो मेरे ऐसे कई अकाउंट है जिसके अंदर गिफ्ट कार्ड कोड मुझे मिलने वाला है। इस अकाउंट के अंदर देख सकते हो 4000 पॉइंट मैंने पहले VPN से ग्राइंड किए थे दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पर इंडियन सर्वर से ग्राइंड कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 8150 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। और देखो भाई, अकाउंट टेम्परेली रिसीव वाली प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, उसका अपडेट अब नहीं आ रहा। और भाई मैं आपको बता दूं, ओटीपी वाली प्रॉब्लम जिन जिन भाई लोगों को आ रही है, आज एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके कहा कि भाई देखो, मैंने जब बार बार ट्राई किया, मतलब मैंने अपने खुद के नंबर से बार बार ट्राई किया तो मेरा हो गया था। तो दोस्तों आप ट्राई करते रहना, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। ओटीपी नहीं आता तो आप दूसरे नंबर ले लो। और मैंने परसों आप या पहले रोज उससे पहले रोज भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास रिडीम करने के लिए मोबाइल नंबर नहीं है, तो आपको कौन सी वेबसाइट से आप अपने मोबाइल नंबर वहाँ से ले सकते हो, आपको ओटीपी दे दिया जाएगा, वहाँ से आप अच्छा खासा रिडीम कर सकते हो। मैंने कई बार वहाँ से रिडीम भी किया दोस्तों, जेनुइन ट्रिक का कोई पैसा आपका वहाँ पर नहीं लगता दोस्तों। और दोस्तों आपको सबसे मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ, भाई देखो, अकाउंट टेम्परेली रिसीव वाली प्रॉब्लम आ रही है, उस अकाउंट के अंदर आप रोज रिडीम करके देखो, रोज रिडीम करके देखो, कभी ना कभी तो आपका रिडीम वहाँ पर हो ही जाएगा दोस्तों, वो खुद से भी सॉल्व हो सकती है। और जब न्यू अपडेट आ जाएगा, तब तो आपको देखना है, चेक करना है दोस्तों कि रिडीम लगा या नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। मेरी जिंदगी में यहाँ पर 2 से 3 अकाउंट बैन हुए दोस्तों, उसके अंदर एक अकाउंट मेरा वापस भी आ गया था। भाई देखो, मैंने तो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को बात करनी भी नहीं आती थी मेरे को पहले, बस मैंने माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को सिर्फ ट्वीट किया था, उसकी वजह से मेरा अकाउंट वापस आ गया था। और मैंने आपको बता भी दिया था कि ट्वीट किस प्रकार करना है, पिछली वीडियो जाकर आप देख लेना, आपको वहां पर बता दिया गया ट्वीट किस प्रकार करना दोस्तों। अब वो कौन सी गलती की वजह से मेरा यहाँ पर सस्पेंड हुआ दोस्तों, यदि आप रिडीम के समय 2 गलती कर देते हो, 2 या 3 गलती है वैसे तो, पर 2 गलती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से आपका अकाउंट भी बैन हो जाएगा और आपका गिफ्ट कार्ड कोड भी आपके पास नहीं आएगा, वो चला जाएगा दोस्तों, गिफ्ट कार्ड कोड भी नहीं दिया जाएगा। क्या गलती करते हो, इस पर आपको ये जो आइकन दिख रहा है, इसके अंदर आप यहाँ पर पॉइंट तो ग्राइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक टैब, इसके अंदर आप सिर्फ पॉइंट ग्राइंड कर सकते हो। इसके अंदर आप यदि रिडीम भूल कर भी लगा देते हो, तो आपका रिडीम ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों, आपका अकाउंट यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा और आपका गिफ्ट कार्ड कोड भी नहीं दिया जाएगा। आपको पता है मिनिमम 500 रुपये का आप रिडीम लगाते हो, तो आपका यहाँ पर 500 रुपये बर्बाद हो जाएगा, हमारी मेहनत यहाँ पर यू ही बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों देखो, मैंने काफ़ी दिन हो गए बताए हुए, आपको काफ़ी दिन पहले बताया था, मैं बता रहा हूँ इसके अंदर आपको रिडीम नहीं करना दोस्तों, ध्यान रखना, यह बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, गलती छोटी सी है लेकिन इसका अंजाम बहुत बड़ा है दोस्तों। और दोस्तों कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से कितना कमा लेते हो, क्या आप महीने के यहाँ पर 10,000 कमा लेते हो, 20,000? तो देखो दोस्तों, मैं आपको टोटल अर्निंग तो आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, जितने मैं यहाँ पर कमाता हूँ वो थोड़ा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर का महीना, आप देख सकते हो, आज आप तारीख देख सकते हो दोस्तों, 8 अक्टूबर संडे 2023। मैं आपको सितंबर महीने की अर्निंग दिखा दूं, और एक बात आपको मैं और बता दूं, मैं यहाँ पर 2 या 3 डिवाइस के अंदर इसको यूज करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर 2 डिवाइस मान लो आप, वैसे एक के अंदर मैं कभी कभी यूज करता हूँ, कभी नहीं करता, तो मैं यहाँ पर 2 अमेजन पे के अंदर अपना रिडीम लगाता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर एक अमेजन पे की यहाँ पर हिस्ट्री दिखा देता हूँ, फिलहाल वो दूसरे वाले के अंदर तो ज्यादा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक के अंदर दिखा देता हूँ। 21 सितंबर को मैंने निकाले थे 500 रुपये,
अब उस दिन शायद दूसरे अमेज़न पे में भी निकाले होंगे, वो मेरे पास पड़ा हुआ है दोस्तों, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको नहीं दिखा रहा, मैं आपको ओनली एक डिवाइस का स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिर निकाले थे मैंने 18 सितंबर को 500 रुपये, फिर 18 सितंबर को मैंने 2 बार निकाले थे 500 रुपये, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। फिर मैंने निकाले थे 17 सितंबर को 500 रुपये, 17 सितंबर को आप देख सकते हो 500 रुपये, ये जो आपको 500 रुपये देखने को मिल रहे हैं, ये सारा प्रोसेस मैंने यहाँ पर सारा पेमेंट माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से ही निकाला दोस्तों। फिर थोड़ा सा गैप लग गया, फिर मैंने 14 तारीख को निकाला था, यानी 14 सितंबर 2023 को 500 रुपये दोस्तों निकाला था। और अभी आपको आगे स्क्रीनशॉट और दिखा देता हूँ यहाँ पर। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगस्त महीने का पेमेंट भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर अगस्त महीने में मैंने कितना रुपया अर्न किया है। एक बात मैं आपको पहले भी बता दूँ कि मैं 2 डिवाइस के अंदर रिडीम करता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रिडीम में कुछ एक 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 के अंदर यदि प्रोग्रेस में चला जाता है तो दूसरे डिवाइस के अंदर उसको रिडीम करता हूँ। तो ऊपर देख सकते हो 500 रुपये का मैंने रिडीम किया था दोस्तों 27 अगस्त को, ये आप देख सकते हो 27 अगस्त 2023 को मैंने 500 रुपये का रिडीम किया था। देख सकते हो यहाँ पर 27 अगस्त को 2 रिडीम किया था, यानी 27 अगस्त को मैंने 1000 रुपये यहाँ पर अर्न किया था। 26 अगस्त को कितना रिडीम किया था आप खुद देख लो यहाँ पर भाई, 3 रिडीम किया था, यानी 1500 रुपये उस दिन रिडीम किया था। तो दोनों के यहाँ पर 2500 रुपये तो ये हो गए दोस्तों। और दूसरी डिवाइस के अंदर भी यूज करता हूँ मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा सा आगे और चलकर आपको दिखा देता हूँ। आप सारा प्रोसेस यहाँ पर देख लेना दोस्तों, मैं यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर कितना पेमेंट रिडीम करता हूँ, क्योंकि जब पेमेंट दिखाता हूँ ना तब भाई पता चलता है। फिर जुलाई के महीने में आप देख सकते हो, जुलाई के महीने में आप देख लो यहाँ पर कितना पेमेंट अर्न किया, 13 जुलाई को मैंने यहाँ पर 8:29 पर निकाला था दोस्तों, सुबह के टाइम पर निकालता हूँ मैं यहाँ पर 13 जुलाई को, यहाँ पर देख लो कितना रिडीम किया था, एक 13 जुलाई को मैंने 3 अकाउंट के अंदर रिडीम किया था 13 जुलाई को, यानी मैंने 1500 रुपये रिडीम कर लिया दोस्तों, 1500 रुपये 13 जुलाई को। और फिर उसके बाद मैंने 12 जुलाई को रिडीम किया था कितने अकाउंट के अंदर, एक अकाउंट के अंदर। फिर 11 जुलाई को एक अकाउंट के अंदर, 10 जुलाई को एक अकाउंट के अंदर, इस प्रकार जो मैंने यहाँ पर रिडीम किया हुआ है दोस्तों। मैंने आपको जो भी पेमेंट दिखाया वो मैंने सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से ही कमाया है। महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये तो दोस्तों मैं आसानी से छाप देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से। कितने घंटे काम करता हूँ रोज, 1.5 से 2 घंटा, 2 घंटा तो दोस्तों लास्ट है मेरा, 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर काम करता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ गिवअवे का कोड, गिवअवे का कोड होने वाला दोस्तों आज हमारा 2442, तो मैं आपको गिव अवे आसानी से दे दूंगा। काफी लोगों को विश्वास नहीं है कि ये हमको क्या 500 रुपये देगा, भाई 500 रुपये तो मैं यहाँ पर 1 घंटे के यहाँ पर छाप देता हूँ, कोई दिक्कत वाली नहीं। आप भी काम करो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वीपीएन से पॉइंट इस प्रकार लेना है। अकाउंट बैन होता है तो आप अपनी गलतियों को सुधारो कि कौन सी गलती की वजह से आपका अकाउंट बैन होता है। गिव अवे का कोड 2442 है, इसको मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, अपनी प्रॉब्लम हो वहाँ पर शेयर जरूर करना दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी, तो दोस्तों मिलते फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।